हाल ही में बड़ा बयान सामने निकल कर आया नरेंद्र मोदी जी का, तीन कृषि कानून वापस ले आने का, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझते। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए, भाजपा ने उसका विरोध किया और पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि उसे उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो उन्हें मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनें अधिग्रहित की जाती हैं उसका 4 गुना मुआवजा देना चाहिए सरकारी रेट से, वो नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं 2 गुना दिया जा रहा है। और फिर ये तीनों ये कानून लाए किसान विरोधी, और पूरी भाजपा लगी रही कि बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बड़ी प्रगति होगी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने हर भाषण में कुछ न कुछ किसानों के इस खिलाफ आए हुए कानून के पक्ष में बात की। लेकिन आज फिर से लोकतंत्र की विजय हुई, किसान आंदोलन की विजय हुई। उन बहादुर किसानों को मैं बधाई देता हूं जो आज 1 साल से धरने पर बैठे हुए थे। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो इस कानून के विरोध में संघर्ष करते हुए जिन्होंने अपनी जान खो दी। आज इस अवसर पर मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं बहुत बधाई देता हूं और मांग करता हूं, 2 मांगे हैं मेरी और 3 मांगे हैं मेरी प्रधानमंत्री। नंबर 1, आने वाले सेशन में वे इस कानून को निरस्त करने के लिए कानून लाएं ताकि उस पर सील पार्लियामेंट की लग सके, नंबर 1। नंबर 2, MSP के मामले में कानूनन उसको स्वरूप देने के लिए वे सभी राजनीतिक दल सभी किसानों के संगठन के साथ चर्चा करें और उसके बाद आने वाले सत्र में या उसके बाद बजट सेशन में किसानों के पक्ष में MSP के लिए कानून लाएं। और 3, जो शहीद हुए हैं उनको पूरे तरीके से उनका सम्मान के साथ उनके शहादत को स्वीकार करते हुए उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, राहत राशि दी जाए।